गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। अभी दूसरा एग्जाम है, दूसरा दिन है, सेम हालत है, सेम नहीं उससे ज़्यादा गलत हालत है मेरा। तो एक तो जो थ्योरी है ना, ये देखो ये वाला जो थ्योरी है ये मेरे को याद ही नहीं हो रहा है, तो मैं याद करने की कोशिश कर रहा हूँ। रेड सिग्नल, मानस आज गाड़ी चला रहा है, मानस का ड्यूटी आज, मानस की गाड़ी में जा रहे हैं। अमन आगे बैठा है, वो पढ़ रहा है। बाकी अभी हम लोग तनिष के घर जाएंगे, फिर तनिष को उठाएंगे, ऐसा टाइप का सिस्टम है हमारा यहाँ पे। सिस्टम वैसे एक जन बोला था, मतलब ज़्यादा ही हो जा रहा है भाई सिस्टम मेरे ब्लॉग में, तो आपसे मैं ट्राई करूंगा कि थोड़ा कम बोलूँ। क्यों मानस? तो अबे यार मैं कम बोलूंगा, लेकिन मेरे को भी लग रहा था थोड़ा इरिटेटिंग व्लॉग में जब अपना ही देख रहा था। तो बाकी तो मैं बाकी अभी देखते हैं, ये पढ़ते हैं थोड़ा सा, मतलब अभी तो पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा है। जब तक हाईवे नहीं आता तब तक पढ़ना चालू नहीं करते, तो हाईवे आएगा फिर पढ़ना चालू करते हैं। बाकी फिर जाते हैं तनिष से मिलते हैं, उसको उठाते हैं, फिर गड्डी को उठाते हैं, फिर सब जन जाएंगे कॉलेज। जिंदगी में इसको करने का कोई मोटिवेशन नहीं है, लेकिन गाड़ी चलाने के लिए हमेशा एक मोटिवेशन रहता है। जैसे ट्रक के पीछे क्या लिखा है देखो, दम है तो पास कर वरना बर्दाश्त कर, समझा? ये मेरा एरिया है और मेरे एरिया में एंट्रेंस नॉट पॉसिबल, समझा मानस? तो दम है ना, दम है तो पास करके दिखा उसको, नहीं बर्दाश्त कर, समझा? वो जो टमाटर लेके जा रहा है ना उसको बर्दाश्त कर, ठीक है ना? उड़िया लोग हैं इन लोग, मतलब ओडिया, आई लव यू ओडिया पीपल्स, लेकिन ओडिशा की गाड़ी है, ये बताना चाह रहा था मैं। नाइस वन, दम है तो पास कर, दिखा दिया ना दम, दस का दम। ओह माय गॉड, रवि प्रार्थना कर रहा हूँ भगवान से कि मेरा एग्जाम अच्छा जाए। ये क्या कर दिया भाई, मैं ये वो मानस के डस्टबिन में अगरबत्ती को डाल के आ गया और उसका ये परिणाम हो गया। ओह माय गॉड, अभी जल जाएगा। लोग भी आ गए देखने, अभी जलेगा, उसके बाद होगा कुछ काम। हो गया भाई, ये तो हवन भी हो गया भाई, बेसिक वो मेरा काम था। आग ताप लेते हैं, हाँ हवन भी हो गया, अब बढ़िया एग्जाम जाएगा मेरा। अरे 10 बजे से लेकर भाई हो गया एग्जाम खत्म, फुल डिस्कशन। आज का पेपर इतना रद्दी गया है ना, मैं जो बोल रहा था ना कि कॉपी में जो था ना एक भी चीज नहीं आया भाई, बिल्कुल एकदम। और एक तो ऐसा है कि जो हम लोग को पढ़ाया भी नहीं गया, जो पढ़ाया नहीं हाँ। वो आ गया। अब म्यूट मत करना सुबह वाला जो डाला। हाँ बिल्कुल जरूरत नहीं। हाँ मेरी जान डालूंगा भाई, वैसे नहीं कर सकते, लेकिन भाई हालत खराब हो गया आज के पेपर में, पास या फेल कुछ पता नहीं है, इसको पूछते हैं। क्यों भाई कैसा गया मानस भाई, पेपर कैसा गया? नाइस भाई। अब भाई दीवान साहब का कैसा पेपर गया? अबे इसका सुन, पहुंच गया घर, मैं तो थक गया भाई। आज के पेपर में जो हमारे साथ धोखा हुआ है ना, मैडम ने जो धोखा किया हमारे, मैडम ने क्या मतलब, 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे थे जो मैं अपने नोट्स, मतलब अपने नोट्स में क्या, मेरे तो आधे ही नोट्स थे, बाकी बहुत सारे नोट्स थे मेरे पास, उसमें एक भी जगह ये नहीं था। तो अब मैं खत्म करना चाह रहा हूँ। अब यहाँ से निकलूंगा भाई, बंद कर उसको, कूद दे, मैं तो बोलता हूँ कॉपी हटा जाएगा भाई। बाकी मैं कूदा तो नहीं वहाँ से यहाँ से, यहाँ कूदता तो कुछ होता भी नहीं मेरे को, इसमें कूद के वापस आ गया मैं। बाकी आज भाई मैं तो टूट गया हूँ भाई, मैं तो टूट गया हूँ एकदम ज़्यादा। अरे वाह क्या दिख रहा हूँ मैं, एकदम ज़्यादा ही वो मेरे साथ गेम हो गया, क्योंकि मैं जो जो याद करके गया था ना वो, मतलब समझ लो कि एक टाइप से नहीं आया, मतलब ऐसा नहीं कि क्वेश्चन पेपर नहीं फंसा, ऐसा नहीं बोल सकते ना भाई, क्योंकि नोट्स में जो था मैं सब पढ़ के गया था, मतलब 4 यूनिट ही पढ़ा था, 5 यूनिट रहता है, नोट्स में जो था सब पढ़ के गया था, लेकिन गेम हो गया मेरे साथ। मानस का तो फूल अच्छा गया पेपर, आज एकदम खुश है, आज 1 बजे तक घर नहीं जाएगा, रात को 1 बजे तक यहीं रहूँगा बोल रहा है मेरे घर में, मतलब तो बढ़िया यहीं पर रहेगा, परसों के एग्ज़ाम के लिए डायरेक्ट यहीं से निकल जाएगा। 2 days later। गुड मॉर्निंग एवरीवन, बैक एट इट अगेन, फिर से हम लोग यही रास्ते में फंस गए भाई, अब नहीं फंसे नहीं है, अब निकल गए अपन। बाकी अभी सुबह से हम लोग निकल गए थे एग्ज़ाम देने के लिए, बहुत स्ट्रेस में आज बाकी लोग, तो मैं ज़्यादा व्लॉग नहीं किया क्योंकि सब पढ़ रहे हैं और मैं गाड़ी चला रहा हूँ, क्योंकि मैं कल बैठा था, उस परसों पिछले एग्ज़ाम में बैठा था, मानस की गाड़ी के पीछे उल्टी आ रहा था मेरे को ऐसे स्ट्रेस में, तो मैं सोचा भाई कि अब मैं ही गाड़ी चलाऊँगा, अब अगले एग्ज़ाम से भी इसको बोल दूँगा, क्योंकि मैं पीछे नहीं बैठ पाता उल्टी, मतलब एकदम स्ट्रेस एंग्जाइटी के चक्कर में पढ़ते रहते, मतलब पढ़ने का देखते रहता हूँ। तो बाकी अभी चलते हैं, तनिष को उठाते हैं, फिर एग्ज़ाम देने चलते हैं, बाकी बाद में बताता हूँ, नहीं तो डिस्टर्ब हो जाएंगे पढ़ने वाले बच्चे लोग इधर पीछे बैठे हैं।
क्योंकि भाई हम लोग जितना भी बुक बुक था ना सबको यहाँ पे सबमिट कर दिए। वैसे एग्ज़ाम तो अपना अच्छा गया क्योंकि सब सिटी से ही आया था पेपर तो। हाँ सिस्टम इधर देखो, इन दोनों इसका 90+ इसका 100+ आएगा दोनों का, ऐसा टाइप का पेपर बना के गए। बाकी मैं मेरा एक क्वेश्चन छूट गया इसलिए मेरे को थोड़ा दुख है, और एक क्वेश्चन मैं लिखा नहीं ढंग से, बाकी तो पर अच्छा ही मार्क्स आ जाएगा। ये देखो अकाउंट सेक्शन, पैसा पैसा पैसा। भाई हो गया हमारा खाना वाना, हम लोग खा भी लिए क्योंकि मानस लोग का ना मीटिंग भी था, मतलब मीटिंग है कुछ 15-20 मिनट का, तो वो बोला कि खा लो भाई तुम लोग, मतलब वो बोला तो नहीं लेकिन मैं भूख लग रहा था बहुत तेज, हम लोग कुछ खा भी लिए। अभी यहाँ आए GTS, ओ GTS दिख नहीं रहा भाई, वो देखो गायत्री टी स्टॉल GTS। बाकी मैं अमन और तनिष उधर गए हैं कुछ लाने के लिए खाने के लिए, वहाँ पराठा खा लिए थे अपन, लेकिन यहाँ पे फिर कुछ पीने के लिए आ गए क्योंकि टाइम पास करना है भाई बहुत देर, मतलब अभी 15-20 मिनट उन लोग को लगेगा, 15-20 मतलब आधा घंटा तो कम से कम लगेगा, इसलिए यहाँ पे खड़े हुए हैं। बाकी एग्ज़ाम तो बहुत ही अच्छा गया क्योंकि पूरा सीटी का पेपर ही आ गया था ना, तो हम लोग मतलब और क्या सीटी पेपर आया था तो पूरा तो प्रिपेयर्ड ही था। बाकी एक दो क्वेश्चन भूल गया मैं, मतलब डिफरेंस तो वो दिक्कत हो गया, बाकी अच्छा गया पेपर, बाकी लोग से तो कम अच्छा गया लेकिन अच्छा गया। मैं भाई निकल गया बस यहाँ से हम लोग, बाकी मैं माउंट नहीं किया था भैया आज तक, मैं अपने आईफोन को मतलब माउंट किया था लेकिन फ्रंट कैमरा देखा नहीं था कभी कि कैसे चलता है, लगा भाई इंटरप्शन आएगा, सीट बेल्ट लगा। बाकी हम लोग अभी GTS से कॉलेज जा रहे थे, मतलब यहाँ बगल में ही है हमारे ब्रिज पे ही है, मतलब ब्रिज के नीचे ही है, तो वहाँ से जा रहे हैं हम लोग कॉलेज क्योंकि मानस लोग का वहीं पे इंतज़ार करना है। बाकी भाई मैं टेस्टिंग कर रहा था कैसा लगता है, बाकी अभी देखते हैं कॉलेज के अंदर का टाइम लैप्स डालता हूँ, कॉलेज के अंदर घुसने का रुक जाओ। भाई एग्ज़ाम ख़त्म हुआ और सीटी में हम लोग का इतना अच्छा, मतलब सीटी वाला क्वेश्चन पेपर आ गया, हम लोग खुशी में ना गांव आ गए, आज हम लोग का पार्टी है अब यहाँ पे, फुल पार्टी करेंगे क्यों मन। अभी मानस पता नहीं गाड़ी से उतर नहीं, वो दुख में पार्टी करेगा और हम लोग खुशी में पार्टी करेंगे, दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, उसमें गाड़ी में बैठा हुआ, अंदर में ही बैठा हुआ अभी तक, दादी नहीं है घर में करके मैं पीछे तरफ आ गया तो वो गाड़ी में बैठा हुआ है। बाकी अभी मैं थोड़ा सा 2-3 काम करूँगा, मेरे को यहाँ पे काम था तो आज क्या 2 दिन का गैप एग्ज़ाम के बीच में, तो आज थोड़ा नहीं भी पढ़े तो चलेगा करके आ गए थे। वैसे भी हम लोग कहाँ ही पढ़ रहे थे, जिस दिन एग्ज़ाम खत्म होता था उस दिन पढ़ते ही नहीं थे, सोचते थे एकदम 8 बजे ना बैठते थे पढ़ेंगे, फिर फ़ोन चलाते चलाते 11 बज जाता था, फिर हो जाता था। बाकी एग्ज़ाम तो अच्छा गया आज का। अभी देखो वो ट्रैक्टर खड़ा है ना, उसका पूरा सर्विसिंग वर्विसिंग हुआ है, उस दिन मैं मतलब सामान वामान छोड़ के गया था, तो अब उसको चला के एक बार देखूँगा कि कैसा चल रहा है, क्या है, ब्रेक वेक ठीक हुआ है कि नहीं, फिर खेत जाएंगे, फिर दादी का वो क्या बोलते हैं उसको पेंशन आता है ना, उसमें लिविंग सर्टिफिकेट दिखाना पड़ता है तो वो भी करना है, ये सब करने के बाद फिर जाएंगे अपन रायपुर। फिर ना मानस को भी मैं एक राज वाला रूम दिखा रहा हूँ, आज तक कोई नहीं गया वहाँ पे, चल चल मानस वहाँ अंदर जा। हॉन्टेड रूम है वो, यहाँ पे थोड़ा सा मैं गुंडागर्दी में भी विश्वास करता हूँ ना, तो जैसे कोई ज़्यादा बात करता है ना तो हाँ मेरी जान यहीं पे, समझा क्या करता हूँ, हाँ मेरी जान यही वाला रूम उसी के लिए बनवाया। बाकी अभी ट्रैक्टर स्टार्ट करके देखते हैं भाई, बहुत दिन से ये भी स्टार्ट नहीं हुई है। बाकी इधर देखो भाई मानस को, नाइस वन, क्या कर रहा है, देखो क्या कर रहा है भाई, हाँ दबंग का सीन बना, दबंग का। अच्छा तेरे मुंह में उसको साइलेंसर को घुसा दूं क्या, नहीं घुसा भाई, पता नहीं कैसे घुसाया था, हाँ नहीं घुस रहा है, मेरा मुंह ही नहीं आ रहा उसमें। ये दद्दा क्या क्या ट्राई कर रहा है भाई, इसका इसके साथ बाकी मतलब मैं सिर्फ देख रहा था भाई कि ऐसा रियलिटी में भी होता है ये, तो एक ठो मैं मतलब मेरे पास क्या, मेरी गाड़ी में सनरूफ नहीं है ना, देख ठो सनरूफ वाला गाड़ी भी रखा हूँ, इसीलिए फुल सनरूफ है इसमें, ओपन रूफ है पूरा, तो इसीलिए ये अलग गाड़ी भी है ताकि जब भी ऐसे सनरूफ का मजा लेना है ना तो यहाँ पे ये देख यहाँ पे खड़े हो जाओ ऐसे पकड़, यहाँ पे खड़े हो जाओ ऐसे पकड़ के ये देख, या फिर यहाँ पे भी खड़े हो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी खड़े हो जाओ इसमें, तो एक नंबर। ये इसका रूफ गंदा हो गया भाई, बाकी वो मेरा ट्राली सिस्टम। तालाब नहाएगा क्या मानस, नहीं
उधर वो हो रहा है, क्या हो रहा है वहाँ पे, क्या सनसेट सिस्टम सेट हो गया उसके। बाकी अपना घर है, और ये चीकू का पेड़ है, चीकू, ये चीकू के पेड़ में कुछ है नहीं लेकिन भाई दिन भर की मेहनत के बाद कुछ खाने आ गए। अंबुजा मॉल, अंबुजा मॉल ही सबसे हमारे पास था, और सिटी में घुसने का हालत नहीं था क्योंकि मैं सुबह से गाड़ी चला रहा था, बीच में अमन को दे दिया था गाड़ी, मतलब की जगह, हाँ विधानसभा के पास थे। बाकी तो अभी हम लोग जाते हैं, कुछ खाते हैं, फिर अपने अपने घर, पढ़ना चालू करना पड़ेगा भाई मेरे काम के चक्कर में, वो काम अभी अटक गया साला, हुआ भी नहीं वो सारा गाँव जाके। आगे अभी चलते हैं मॉल के अंदर, मानस हम लोग को लीड कर रहा है क्योंकि वही पार्टी दे रहा है, पैसे उसी के लगेंगे। वापिस चले जाऊंगा क्योंकि बनवाना तो है मेरा है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि सोच समझ के बनाऊंगा, मम्मी का भी चेक वेक करवा लेंगे फिर साथ में बनाएंगे। बाकी ऐसे अच्छे दिख रहे ना अपन, नाइस वन्स। एप्पल, अमन घूर रहा है, घूरते घूरते देख रहा है, ये सब 1700-1800 के हैं, मतलब ऐसा सब तो नहीं है लेकिन जो भी है बाय वन गेट वन फ्री रहता है यहाँ पे, तो यहीं से लेने का सोच रहा हूँ मैं भी।